कॉर्बेट के जंगल में। ये सफारी पॉइंट गया था, और एक मंदिर भी है इधर। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो हम निकल चुके हैं एक और नई डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हमें NH 58 पे और जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो फरवरी का लास्ट वीकेंड है ये। वैसे यहाँ पे वीकेंड पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मौका वीकेंड पे ही मिलता है। सो दिल्ली की फेवरेट वीकेंड डेस्टिनेशंस में आती है ये। और मौसम बड़ा अच्छा है, सनराइज हो रहा है अभी, सामने दिख रहा होगा, उधर दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमें अभी गूगल दिखा रहा है अराउंड 4 आवर 47 मिनट्स, करीब आधा घंटा हो गया निकले हुए। रीड हो गया है फास्ट टैग। देखा वो तो अभी भी फास्ट टैग में भी यार कैश जितना ही टाइम दे रहे हैं। तो हम निकले हैं 8:25 पे 26 तारीख को सुबह। हमें लग गए करीब 25 मिनट। तो आई थिंक इस ट्रिप पे अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है, होपफुली इम्प्रूव होना चाहिए और 5-6 सालों में, लेट्स सी। कोई बात नहीं, बैक टू द ट्रिप। हम रुक रहे हैं यहाँ मोगा पंजाबी ढाबे में और टाइम करीब 9 बज गए हैं। अच्छा है, वॉशरूम्स भी साफ हैं और ढाबा भी अच्छा लग रहा है। पहले भी रुक चुके हैं हम यहाँ पे, देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसा है अभी। चलिए चलते हैं अंदर। कैसे लगे पराठे? चाय पी? अच्छी जगह है। अगर नैनीताल, रानीखेत, कॉर्बेट जाते हैं रुकना चाहे तो मोगा, हम वैसे 4-5 बार पहले भी रुक चुके हैं, बट आई थिंक दे हैव इम्प्रूव नाउ, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पहले भी अच्छा था बट आई थिंक अब और अच्छा हो गया। खाना काफ़ी अच्छा था यहाँ का एंड चाय भी बढ़िया है, डिसेंट प्लेस, रिकमेंडेड। हम बाईपास से लेफ्ट ले लिया है हमने रामनगर की तरफ। अभी हमें दिखा रहा है करीब 2 घंटा और। ये देखो शुरू हो रहा है यहाँ से जिम कॉर्बेट पार्क, 17 किलोमीटर्स। तो यार हमारा प्लान इस बार काफ़ी लास्ट मोमेंट पे बना, तो उस चक्कर में हमें बुकिंग्स की थोड़ी दिक्कत आई। सो हमने ना स्प्लिट बुकिंग कराई है इस बार, एक नाइट एक जगह पे, दूसरी नाइट दूसरी जगह पे, और दोनों के बीच में करीब 25 किलोमीटर का जंगल है। और इसी चक्कर में हमें एक फ़ायदा भी हो गया कि हम दो अच्छी अच्छी लोकेशन देख लेंगे और दो बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट्स में रहेंगे। बट हमें रेट्स बड़े एक्सपेंसिव मिले, बहुत ही एक्सपेंसिव। एक मिला है हमें 5,000 पर नाइट में, दूसरा तो हद ही हो गई यार, और दी अदर वन वी पेड 16,000 पर नाइट, बहुत ज़्यादा है। बट छुई थी गड़बड़ यार, प्लान ढंग से किया नहीं। बट आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, तो वीकेंड थोड़ा सा अफोर्ड कीजिएगा और दूसरा थोड़ा सा पहले प्लान करिएगा। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द कोर जोन। हम अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव अ स्मॉल किड विद अस, नहीं तो हम भी सफारी करते। वैसे तो दी नेशनल पार्क परमिट्स की अगर आप बच्चों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं और उनकी कोई चार्जेस भी नहीं है, बट वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांस। हम नहीं जाएंगे और हम सफारी करेंगे अपनी होंडा सिटी में ही और बफर जोन में करेंगे। बट यार ये फीलिंग बड़ी अच्छी है, देखिए जंगल शुरू हो रहा है यहाँ से, क्या बात है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, दीज आर दी सफारी पॉइंट्स। अगर आपको सफारी बुक करनी है तो आप सफारी बुक कर सकते हैं corbettonline.uk.gov.in की वेबसाइट से ही, वही है ऑफिशियल साइट। आपको अगर ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस या बाकी फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज भी बुक करने हैं तो आप उसी वेबसाइट को यूज़ कीजिएगा। 45 डेज़ पहले आप बुकिंग उसमें शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लास्ट मोमेंट पे कराने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी बुकिंग मुश्किल हो जाती है यार, इट इज़ नॉट ईजी टू गेट लास्ट मोमेंट बुकिंग्स थ्रू दैट साइट। दो आपको जुगाड़ से कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट मोमेंट पे ही प्लान करते हैं, बट दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। युग ये क्या है? आई
अरे वेरी गुड युग, युग तो कितना इंटेलिजेंट है। युग बेबी एलिफेंट के साथ फोटो खिंचवाओ। इधर देखो, इधर देखो, ये खाली सड़क है वाली, बस हम और 10 मिनट है। रिजॉर्ट हमारा बिल्कुल जंगल के अंदर है। म्यूजिक ऑफ, एसी ऑफ, गाड़ी तो ऑन रखनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा है पेट्रोल है हमारी, शोर नहीं है। नहीं बाहर नहीं उतरना, यहाँ नहीं उतरना, अभी हम बिल्कुल इंटीरियर्स में हैं। काफी सारे तो फर्जी वाली सफारियाँ यहीं पे हो जाती है। ये देखो फोन बजा रहे हैं सब, जोश में चला रहे हैं, तो यार उतार ही उन्होंने सड़क से नीचे तो लग गई, आराम से चले ना यार। देखो कॉर्बेट के जंगल में सफारी है, ये सफारी पॉइंट गया था, और एक मंदिर भी है इधर। ये हम पहुंचने वाले हैं, वो दिख रहा है स्टर्लिंग का बोर्ड दिख गया है, तो स्टर्लिंग हॉलीडे डेफिनेटली कॉर्बेट। अरे बढ़िया, स्टीप है, चलो चलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट नाइट वाला स्टे है, दिस वी हैव बुक फॉर अराउंड 5,000 पर नाइट। हवा बड़ी तेज चल रही है यार, अच्छी खासी है। ये को मनाली नहीं है, ये है जिम कॉर्बेट। रूम मिला है 111, और चलो चलते अंदर। हेलो योग, हेलो, हाँ योग क्या कर रहे हो? अरे वाह, योग का रूम कैसा है? ये इधर बाथरूम है, ठीक ठाक से लग रहा है, वेरी गुड। हाँ क्या ऑर्डर हो रहा है? तो पहले बाहर का दिखाते हैं। अरे वाह, रिवर व्यू है हमारा, दिख रही है क्या रिवर? बालकनी भी है, छोटी सी बालकनी नहीं है एक्चुअली, कॉमन है, बट ठीक है, रिवर बहती है दिख रही है। तो आई थिंक हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, तो नहीं आप सुन पा रहे कि नहीं। अच्छा एक और रिवर है, ये नीचे रेस्टोरेंट है, ये रिसेप्शन एरिया है, तो और ठीक है, डिसेंट रूम, स्पेशियस है। सो दे हैव अ रिक्रिएशन रूम, स्विमिंग पूल इज एम्प्टी। पूल्स का वैसे अभी बंद है, अभी स्पा भी है, नीचे रेस्टोरेंट है वो, और अच्छा किड्स प्ले एरिया, कुछ झूले वूले लगे हुए हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये रिजॉर्ट भी बिल्कुल फुल है। ये देखो सफारी इन होंडा सिटी,
कैसे लग रहा है अंधेरे में? कुछ दिख रहा है? पानी की आवाज आ रही है ना? वो देखो, कितना बड़ा है? नहीं नहीं, डियर है। हाँ जी, कैसी लगी आपको हमारी सफारी? हिरन देख के भी हमें तो बड़ा मज़ा आया, आप बताइए कमेंट्स में कैसा लगा आपको। शेर हमने लास्ट ईयर देखा था मुकुंदपुर मध्य प्रदेश में, वाइट टाइगर सफारी में, तो इसलिए हमने इस बार बहुत ज़्यादा कीन नहीं थे, और प्लस बच्चा भी था हमारे साथ छोटा, तो हमने अंदर नहीं गए जंगल के इंटीरियर्स। तो यार अब हमारी यहाँ से चलने की तैयारी हो गई है, अब हम चेकआउट करने वाले हैं, जाने वाले हैं अब हम अपने नए रिजॉर्ट में, जो कि होगा ताज कॉर्बेट एट ज़ीरो गिरिजा, विच इज़ द मेन लोकेशन ऑफ कॉर्बेट। बहुत ही बढ़िया होने वाला है वो, और दिखाते हैं वहाँ पे आपको होपफुली इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा कैसा लगता है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत ज़रूरी है आप दोस्तों की मोटिवेशन हमारे लिए। थैंक यू सो मच।